बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हो और स्वस्थ हो। आइए आज हम अपना कैटेगरिज्म क्लास शुरू करें। शुरू करने के पहले चलो हम प्रभु से प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़िए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। कई बार हम जब बड़े होते हैं हमको हाथों को जोड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन बच्चों अपने ईश्वर के सामने अपने हाथों को जोड़ने, अपने सिर को झुकाने में कभी लज्जा नहीं होनी चाहिए। आइए हाथों को अच्छी तरह से जोड़कर, अपने सिर को झुकाकर, आंखें बंद रखकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपके स्नेह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज तक आपने हमारा परिपालन किया है। हम जो चाहते हैं उससे भी अधिक आपने हमें दिया है। प्रभु, आपकी इस करुणा के लिए, आपके इस स्नेह के लिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन आपके वचन को समझने से ग्रहण करने और उसके और आशीष हमें दीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। जय यीशु। प्यारे दोस्तों, हमने पिछले पाठ में देखा कि कलीसिया में कितने सारे विश्वास के विरुद्ध शिक्षाएं आए। हमने यह देखा कि कितने लोग आगे आकर ज्ञान के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ, वचन के साथ इन पाखंडों और विच्छेद के विरुद्ध किए। आज हम देखेंगे उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को वचन के आधारित पर आगे बढ़ाया। आइए पाठ 6, वे लोग जिन्होंने वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया। एक बार प्रभु ईसा सिनोगोग में बैठकर प्रवचन कर रहे थे। बहुत बड़ी झुंड उनके पास खड़ी थी। एक व्यक्ति दौड़कर आया और उनसे कहा, प्रभु, तुम्हारी माँ बाहर खड़ी है, वो तुमसे मिलना चाहती है। प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे बहन? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभु ने कहा, वे लोग जो मेरा वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, वे लोग ही मेरे माता, मेरे भाई और मेरे बहन हैं। प्यारे दोस्तों, इस वचन के अनुसार अगर हम माता मरियम के जीवन के बारे में देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी कि माँ ने, यानी माता मरियम ने अपने पूरे जीवन में वचन को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया है। जिस क्षण माँ मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, उस क्षण से उनके अंतिम क्षण तक उन्होंने अपने जीवन में वचन को, ईश्वर की इच्छा को सबसे प्रथम स्थान दिया है। जब माँ क्रूस के नीचे खड़ी थी, तब भी माँ ने उस सिचुएशन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में स्वीकार किया था। ईसा की मृत्यु के बाद जब सारे शिष्यगण बिखर गए थे, तभी माँ ने ही उन सभी को इकट्ठे बिठाकर प्रार्थना की और उस समूह के ऊपर पवित्र आत्मा आ उतरा। माँ ने अपने जीवन के द्वारा वचन के अनुसार जीवन बिताने का एक मिसाल कायम की। जिस तरह उन्होंने इस धरती पर ईश्वर के वचन को, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हुए प्रभु को महिमान्वित की, उसी प्रकार पिता परमेश्वर ने भी माता मरियम को स्वर्ग की रानी बनाकर उन्हें भी एक महिमा के स्थान पर उठाकर रखा। हम पूरे कलीसिया में ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अपने विश्वास में रहने के लिए वचन की सहायता ली। हमें पता है यीशु वचन की घोषणा से ही कलीसिया का एक फॉर्म हुआ था, गठन हुआ था। और हमने पिछले पाठ में देखा किस तरह धर्माचार्यों ने वचन की घोषणा, विश्वास के सत्य को सिखाते हुए लोगों को वचन में आगे बढ़ने की शिक्षा दी, प्रेरणा दी।
हम संत योहन के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 में देख सकते हैं, जहां पे संत योहन कहते हैं, हमने जिस व्यक्ति को जाना, जिस वचन को जाना, जिसे हमने देखा है, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने स्पर्श किया है, जिसे हमने अनुभव किया है, उस वचन के बारे में हम घोषणा करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कलीसिया में जब वचन की घोषणा हुई थी, उन्होंने उस वचन के बारे में कहा जिसे उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया था। जब कलीसिया में विश्वास के विरुद्ध जब भी कोई बात उठी, तभी संतों ने, धर्माचार्यों ने वचन की तलवार लेकर उसका खंडन किया था। हम देख सकते हैं कई संत जो वचन के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने वचन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और उसके लिए शहीद भी हो गए थे। कलीसिया एक संतों का समूह है और इन संतों ने विरोचित रूप से वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए एक जीवन बिताया था। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया कि अगर हम वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो जरूर हमें पीड़ाएं आएगी, कष्ट आएंगे, लेकिन एक बात निश्चय है कि हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। कई लोग सोचते हैं, संत यानी वे लोग जो बड़े बड़े हैं, बड़े रिलीजियस हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले, हम तो उसकी गिनती में नहीं आते। लेकिन बच्चों, जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा स्वीकार किया है, जिस व्यक्ति ने संस्कार स्वीकार किए हैं, माँ कलीसिया के संतान हो, तो हम सब संत हैं। संत पौलुस अपने पत्र में कई बार ईसाइयों को संत के नाम से बुलाते हैं। आइए हम कुछ संतों से मिलेंगे जिन्होंने ईश वचन पर अपना जीवन आधारित कर कलीसिया की सेवा की, लोगों की सेवा की, अपने पूरे जीवन को बदल दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 21। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। बच्चों, इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करके सेंट एंटनी ने अपने जीवन की सभी सुख, सभी सुविधा, जितने पौश में वो रहते थे, वे सब छोड़कर मरुभूमि में जाकर तपस लेने बैठे। उसी प्रकार हम देख सकते हैं सेंट बेनेडिक्ट, उन्होंने भी इसी वचन के आधार पर अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दिया। जो कुछ उनके पास था वे सब गरीबों में बांट दिए। यही मिसाल हमें सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी में भी देख सकते हैं, जिन्होंने अपने पापा के दुकान की चीजों को भी बेचकर उस पैसे को गरीबों में बांट दी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। प्यारे बच्चों, इस वचन की प्रेरणा से ही सेंट फ्रांसिस, जो बहुत कुलीन परिवार के थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, जिन्हें सोसाइटी में एक अपना ही अलग सा नाम था, वे सब छोड़कर भारत में आए और आज भारत के दूसरे प्रेरित के नाम से जाना जाते हैं। खोलो और पढ़ो, यह आवाज एक व्यक्ति को बाग में एक बेंच पर बैठकर सुनाई दी। उसके अनुसार पास में पड़े बाइबल को उस व्यक्ति ने खोलकर देखा। उन्होंने रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12 से 14 तक का वचन रीड किया। आइए हम उस वचन को सुनेंगे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12 से 14। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसीलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें, हम रंग रैलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। आप लोग प्रभु ईसा को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। यह वचन उस दिन सन अगस्टिन ने पढ़ा था। सन अगस्टिन अपने पाप में जीवन को छोड़ने के लिए यही वचन कारण बन गया था। इस वचन के अनुसार संत अगस्टिन ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। उसके बाद वे पुरोहित बने और फिर बिशप बने
और बिशप बनने के बाद आज वो चर्च फादर्स की गिनती में आते हैं। उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखे, क्रिस्तीय विश्वास के बारे में बहुत सारे उपदेश दिए हैं। कलीसिया में ऐसे कई संत हैं जिन्होंने वचन के अनुसार अपने जीवन में एक बदलाव लाकर ईसा की सेवा की। हम देख सकते हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, सेंट क्लेयर, सेंट टेरेस ऑफ आविला, सेंट डॉन बॉस्को और कई अनगिनत संत। भारत में से कई संत और धन्य लोग हैं जिन्होंने वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और संत और धन्य की गिनती में आए। संत अल्फोंसा, संत एवुप्रासिया, संत मरियम त्रेसिया, संत मदर तेरेसा, संत चावरा, धन्य पुण्यचंद और कई अधिक लोग जिन्होंने वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताकर भारत की इस मिट्टी में अपना मिसाल कायम बनाया। याचकगण, समर्पित लोग, लोक धर्मी, ऐसे कई लोगों ने वचन के अनुसार जीवन बिताकर सभी विश्वासियों को पवित्रता की ओर आगे बढ़ाया है और कई सामाजिक कार्यों से ईश प्रेम की एक मिसाल कायम की है। आइए हम पुरोहित गण के बारे में आज जानेंगे। कौन है धर्माध्यक्ष, कौन है पुरोहित? ये वे लोग हैं जो अपने तीन मेन ड्यूटीज के द्वारा विश्वासियों को पवित्रता की ओर ले जाते हैं। इनका पहला कर्तव्य है संस्कारों का अनुष्ठान, ईश वचन की घोषणा करना और उसे सिखाना, और तीसरा मेष पालन की शुश्रूषा। सेकंड वेटिकन काउंसिल सिखाती है कि हर एक पुरोहित को रोज वचन पढ़ना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है और उसके बाद लोगों को सिखाना है अपने जीवन के द्वारा और वचनों के द्वारा, और लोगों को ईश्वर के पास ले आना है। जब संत पौलुस तीमती को एक धर्माध्यक्ष बनाते हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुम रोज वचन पढ़ो और वचन के अनुसार लोगों को शिक्षा दो और उन्हें वचन में आगे बढ़ाओ। तो हर एक पुरोहित, हर एक धर्माध्यक्ष अपने जीवन में यही कार्य करते हैं। हर एक पुरोहित की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि वो वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए, वचन को अपने जीवन में अपनाए और दूसरों को सिखाए, और इसके द्वारा वचन की शक्ति से लोगों को प्रभु के पास ले आए। संत जॉन मरिया वियानी आज के एक छोटे से पल्ली के पुरोहित थे। वहाँ के लोग कभी गिरजाघर जाते ही नहीं थे, वे एक अधर्म जीवन जीते थे, लेकिन संत जॉन मरिया वियानी ने अपने जीवन के द्वारा, वचन के शक्ति के द्वारा पूरे शहर को एक मन परिवर्तन की ओर आगे बढ़ाया, और आज आर्स वो एक बहुत बड़ा पिलग्रिम सेंटर बन गया है। इसीलिए सेंट जॉन मरिया वियानी को सभी पुरोहितों के पेट्रन सेंट माना जाता है। अगला एक वर्ग है समर्पित लोगों का। समर्पित वे लोग हैं जिन्होंने पॉवर्टी, ओबीडियंस और चैस्टिटी, यानी निर्धनता, अनुसरण और ब्रह्मचर्य के व्रत लेकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हैं और लोगों की शुश्रूषा यानी लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। वेटिकन काउंसिल सिखाती है कि हर एक रिलीजियस यानी हर एक समर्पित सुसमाचार में दिखने वाले प्रभु येसु का अनुकरण करें। टू इमिटेट द क्राइस्ट इन द गॉस्पल, यही है एक समर्पित जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपना सब कुछ छोड़कर एक समर्पित व्यक्ति एक मिशनरी बनकर एक ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे आज तक लोगों ने प्रभु के बारे में सुना नहीं है। वहाँ पे वे वचन की घोषणा करते हैं, अपने प्रेरिताई कार्य के द्वारा लोगों को प्रभु की ओर लाते हैं। प्रेरित लोक धर्मी यानी ले मिशनरीज, बपतिस्मा द्वारा ईसा मसीह से एक होने पर विश्वासियों को प्रेरित कार्य करने के लिए एक फर्ज और एक धैर्य मिलता है। अपने सभी कार्यों को, अपने जीवन के सभी अवस्थाओं को, सभी घटनाओं को, सब कुछ को एक बलि के रूप में चढ़ाकर वे अपने जीवन को प्रभु के एक साक्ष्य के रूप में देते हैं। सब कुछ प्रभु के साथ एक साथ सहने और बलि के रूप में अर्पित करते हुए वे अपने आप को और दूसरों को भी पवित्रता की ओर ले चलते हैं।
हम देख सकते हैं संत मोनिका, संत एलिजाबेथ ऑफ हंगरी, मम्मा मार्गरेट जो संत डॉन बॉस्को की माँ थी, ऐसे कई संत हैं जो कभी पुरोहित या समर्पित नहीं बने, बल्कि वे एक ले मिशनरी बनकर प्रभु की सेवा करते गए। प्यारे बच्चों, जहाँ पर हम वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो जरूर उसमें से प्रेम उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जिस वचन के बारे में पढ़ते हैं, जिस वचन को हम मनन चिंतन करते हैं, वह प्रेम पर आधारित है। और जब हमारा मन प्रेम से भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम चैरिटी वर्क्स की ओर मुड़ेंगे। जब हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 को पढ़ेंगे तो हम देख सकेंगे प्रभु का हर एक वचन, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं कारागृह में था तब तुम मुझे आके मिले, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे वस्त्र दिया। जब हम इस वचन को अपने मन में लेंगे, अपनाएंगे और इस पर मनन करेंगे तो अपने आप ही हमारे मन में प्रेम भर जाएगी और हम दूसरों की सेवा के लिए आगे आएंगे। इसीलिए ही अनाथों, विधवाओं, मानसिक और शारीरिक रूप से जो कमजोर है, उनकी सेवा के लिए हमेशा माँ कलीसिया तत्पर रहती है और अपने बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहन देती है। इसीलिए धर्मग्रंथ में संत याकूब हमसे कहते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव है। अगर हम में विश्वास है तो हम उसे अपने कर्म में भी लाएंगे। प्यारे दोस्तों, ईश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। इसीलिए ही योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। जो ईश्वर के वचन को पढ़ता है, उस पर मनन चिंतन करता है और उसके अनुसार अपने जीवन में एक बदलाव लाते हैं, वे सभी लोग पवित्र बन जाते हैं, वे सभी लोग संतों की गिनती में आते हैं। हमें भी प्रभु ने एक संत बनने के लिए ही बुलाया है। हमने देखा जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया तभी हमें एक बुलाहट मिली है, वो बुलाहट है संत बनने के लिए। संत बनना आसान है अगर हम अपने जीवन को वचन के ऊपर आधारित करें। आइए बच्चों, इसके द्वारा हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको पेज नंबर 51 में कई प्रश्न मिलेंगे जिसका उत्तर आपने अभी सुना भी है और आपके बुक में भी है। भूलना नहीं, आपको ये जरूर पढ़ना है और इस प्रश्न को सॉल्व भी करना है। इसके द्वारा बच्चों आपके हृदय में भी पवित्रता के लिए एक थर्स्ट आएगा, आपके हृदय में भी वचन के लिए एक थर्स्ट होगा, जिसके अनुसार आपके जीवन में भी एक बदलाव जरूर आएगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों को पुनः जोड़कर आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आपके वचन को हमारे हृदय में हमेशा के लिए बो दीजिए ताकि वे 100 गुना फल उत्पन्न कर सके और हम भी पवित्र बन सके, वचन के अनुसार अपने जीवन में एक बदलाव ला सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।